Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. भारतीय शासन एवं राजनीति से जुड़े विभिन्न आयामों की चर्चा की श्रृंखला में आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हिंदुस्तान का हमारे देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है हम यह कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में जितने राजनीतिक दल मौजूद हैं उनमें यह सबसे पुराना है कांग्रेस का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण रहा लेकिन उस समय यह एक संयुक्त मोर्चे के रूप में था यह भी बात याद रखने की जरूरत है यानी कि उसमें सोशलिस्ट भी थे आ, कुछ समय तक जो दक्षिण पंथ के कुछ तत्व थे वो भी कांग्रेस में शामिल थे तो यह वह कांग्रेस नहीं मानी जा सकती है जो मौजूदा दौर में या आज़ादी के बाद के दौर में रही हालांकि यह भी स्वीकार करना होगा कि आज़ादी के बाद के दौर में कांग्रेस के भीतर ऐसे जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा संख्या में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की थी जेल गए थे और कांग्रेस एक ऐसे मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में सामने आई या इसने खुद को प्रस्तुत किया जो कि देश के हर तरह की आवाज़ को अपने भीतर स्थान देने में भरोसा करती है जो कि देश की सभी तहजीबों को एक साथ मिलाकर समावेशी रूप में आगे बढ़ाने में भरोसा करती है और जो यह चाहती है कि जो देश के वंचित और गरीब तबके हैं उनके लाभ के लिए सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए तो मोटे तौर पर एक तरीके से आ, समावेशी सामाजिक व्यवस्था पर भरोसा और कुछ हद तक लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति समर्पण या मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी नीतियों के समर्पण ये दो ऐसे बुनियादी तत्व रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद के दौर में भी कांग्रेस की राजनीति की दिशा को तय किया है और इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आए हैं वैचारिक रूप से कई बार विभ्रम की स्थिति भी आई है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आ, हमारी जो पूरी चर्चा है वह मुख्य रूप से आज़ादी के बाद के दौर में कांग्रेस की स्थिति पर ही केंद्रित रहेगी और आ, हर एक दौर में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि संगठन के स्तर पर और वैचारिक स्तर पर कांग्रेस की क्या स्थिति रही मुख्य रूप से मैं कांग्रेस की ऐतिहासिक यात्रा को आज़ादी के बाद के दौर में ऐतिहासिक यात्रा को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा यह मुमकिन है कि मौजूदा समय में जो कांग्रेस की स्थिति है उसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा ना कर पाएँ लेकिन कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति के बारे में भी आपको एक समझ देने की कोशिश करूंगा। तो आ, हमारी चर्चा में सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू और उनके दौर में कांग्रेस की स्थिति पर बात करेंगे फिर इंदिरा गांधी और आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे राजीव गांधी और उनके समय में एक विचारधारात्मक विभ्रम की स्थिति का वर्णन करेंगे फिर 1990 के दशक और यूपीए के दौर में जो कांग्रेस की स्थिति रही उसके बारे में मैं आपको एक समझ देने की कोशिश करूंगा और उसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग के बाद किस तरह कांग्रेस एक तरीके से अपने अस्तित्व का के संकट का सामना कर रही है और कांग्रेस की दुर्बलताएं क्या क्या है हम इसके बारे में बातचीत करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौर में कांग्रेस एक संयुक्त मोर्चे के रूप में थी और इसमें विभिन्न विचारों को मानने वाले लोग शामिल थे इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग करने और इसे एक लोक सेवक संघ के रूप में तब्दील करने की सलाह दी लेकिन जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे कई कांग्रेसी नेताओं ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कांग्रेस को देश की प्रतियोगी लोकतांत्रिक राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में इस्तेमाल किया इनकी सोच यह थी कि कांग्रेस का प्रयोग करते हुए हम देश को एक ऐसे देश की बनने की दिशा में आगे ले जा सकते हैं जिसका स्वप्न आज़ादी के दौरान अधिकांश लोगों ने देखा था नेहरू के दौर से लेकर वर्तमान समय तक भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है आज़ादी के एक साल बाद 1948 में ही जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आदि जैसे समाजवादियों ने कांग्रेस से नाता तोड़कर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया कांग्रेस के भीतर सोशलिस्ट पार्टी 1934 या में बनी थी और यह उसमें कांग्रेस को समाजवादी नीतियों की दिशा में मोड़ने का काम करती थी लेकिन जब यह आज़ादी जब देश को आज़ादी मिली जब कांग्रेस लोकतांत्रिक राजनीति के एक यंत्र के रूप में काम करने लगी तो सोशलिस्टों ने यह फैसला किया कि अब वो एक अलग राजनीतिक दल बनाकर अपने सपनों के हिसाब से देश को बनाने की राजनीति करेंगे बहरहाल अगर हम जवाहरलाल नेहरू के दौर में कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो यह बात ज़रूर सामने आएगी कि उनके दौर में कांग्रेस को लगातार सफलता मिली आ, पार्टी को कुछ हद तक आ, मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने उन्नीस में तो उनके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक बड़े कद के नेता मौजूद थे लेकिन जब पटेल का देहावसान हो गया तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जागरूक रूप से कोशिश करके कांग्रेस के भीतर से दक्षिणपंथी शक्तियों को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की और इस संदर्भ में रफ़ी अहमद की कीदवई और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच का जो चुनाव हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1950 के दशक के आरंभ में वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है बहरहाल अगर हम भारत के पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो यह बात साबित होती है कि इसमें कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 तक हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कुल चार सीटों में से तीन सीटों पर जीत मिली उन्नीस में हुए दूसरे आम चुनाव में लोकसभा की कुल चार सीटों पर चुनाव हुए जिन जिसमें कांग्रेस को तीन सीटों मिली उन्नीस में हुए तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को तीन सीटों पर जीत मिली तो जवाहरलाल नेहरू चुनावी रूप से चूँकि वो आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय नेता थे और उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिसके जिसमें समाज के सभी तबकों को शामिल करने की कोशिश की गई तो वो आम तौर पर देश के एक सर्वस्वीकार्य नेता के रूप में स्थापित रहे यहाँ तक कि जब चीन के साथ युद्ध के कारण भारत की को एक तरीके का हार का सामना करना पड़ा तो तब भी उनकी लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई और वो अपने जीवन काल तक देश के एक स्वीकार्य नेता बने रहे हैं। लेकिन इस दौर में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के राजनीति के दायरे में दूसरे समूह भी शामिल हुए और उनकी आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के मंच के रूप में कांग्रेस मौजूद रही यानी उस समय कांग्रेस के भीतर ही नए उभरते समूहों को समायोजित करने के का एक काम हो रहा था और भारतीय रा, लोकतांत्रिक राजनीति की इस विशिष्ट संरचना को रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम की संज्ञा दी जिसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं एक अलग लेक्चर में नेहरू के दौर में कांग्रेस ने समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की कांग्रेस ने 1955 के अपने अवार्ड सम्मेलन में समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित किया नेहरू के दौर में ही चीन उन्नीस में चीन से जो भारत का युद्ध हुआ उसमें भारत की हार हुई कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा लेकिन 1964 में नेहरू का देहांत हो गया और उन्नीस के आम चुनावों तक नेहरू दुनिया में नहीं थे कांग्रेस के भीतर अलग अलग तरह की उथल पुथल हुई नेहरू की मृत्यु के, के बाद कांग्रेस के प्रभाव में कमी आई कांग्रेस पिछड़ी जातियों की उभरती राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपनी पार्टी के दायरे में संतुष्ट करने में नाकाम रही यह एक तरह से कांग्रेस व्यवस्था के टूटने का स्पष्ट संकेत था उन्नीस में हुए विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और इस पूरी प्रक्रिया में हम आ, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की राजनीतिक कोशिशों को भी नकार नहीं सकते हैं आ, जब कांग्रेस तो सोशलिस्ट पार्टी आ, अलग हुई कांग्रेस से तो उसके बाद से लेकर कई चुनावों में हार का सामना करने के बावजूद राम मनोहर लोहिया लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि वे कांग्रेस की सैद्धांतिक नीतिगत और व्यवहारिक खामियों को उजागर करें और वो कांग्रेस के भीतर या कांग्रेस के वर्चस्व के खतरे को भी बार बार सामने लाते रहें और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर ऐसे तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश की जो कांग्रेस का विरोध करती थी और उसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस के सामने एक वैकल्पिक ढांचा तैयार करने की कोशिश की और इसी का नतीजा था कि उन्नीस में बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ लेकिन जहाँ तक केंद्र का सवाल है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत पाने में सफल रही और इसकी सीटों में काफ़ी कमी आई जहाँ उन्नीस में इसे तीन सीटें मिली थी वहीं इन चुनाव में इसे सिर्फ दो सीटों पर ही जीत मिली नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी कांग्रेस संगठन के बड़े नेताओं ने आपसी गुटबंदी में समझौते के रूप में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया उम्मीद यह थी कि इंदिरा गांधी ये जो बड़े नेता थे जिन्हें सिंडिकेट के रूप में भी जाना जाता था बड़े क्षेत्र छे, क्षेत्रीय नेता इन्हीं के विचारों के अनुरूप काम करेंगी लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया तो संगठन के बड़े नेताओं को जिन्हें सिंडिकेट भी कहा जाता था यह बात नागवार गुजरी उन्हें इसे काफ़ी नाराजगी हुई और कांग्रेस के भीतर संघर्ष बढ़ता गया यह वह दौर था जहाँ पर कांग्रेस लोक कल्याण और जन कल्याण की अपनी नीतियों के प्रति वचनबद्ध थी और उसके साथ ही कांग्रेस के भीतर जो एक यह भावना थी कि देश की जो समावेशी संस्कृति है उसको कायम रखा जाए तो नीतिगत स्तर पर इससे कोई विचलन नहीं था हाँ यह ज़रूर था कि लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ हद तक जो एक समाजवादी नीतियाँ थीं जिसका कि नतीजा निकला था एक बहुत ज़्यादा नियंत्रित अर्थव्यवस्था में उसे खोलने का प्रयास किया था लेकिन वो अभी बहुत साफ तौर पर सामने नहीं आया था तो नीतिगत रूप में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी सत्ता का संघर्ष अवश्य था और जब इंदिरा गांधी ने अपने व्यक्तित्व को सामने लाने लाना शुरू कर दिया कि वो एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही हैं और उन्हें अलग अलग तरीके के जो सिंडिकेट के नेता है दबा नहीं सकते हैं तो फिर एक कांग्रेस के भीतर संघर्ष की स्थिति बनी उन्नीस के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को समर्थन दिया चुनाव में वी वी गिरी की जीत हुई लेकिन इसी कारण इस वर्ष कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया कांग्रेस के संगठन के बड़े नेताओं ने अपनी अलग कांग्रेस बना ली इनकी पार्टी को कांग्रेस ए यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया इसमें के कामराज एस निजलिंगप्पा मुरारजी देसाई जैसे नेता थे कामराज तमिलनाडु से थे निजलिगम्पा कर्नाटक से और मुरारजी देसाई संयुक्त महाराष्ट्र और गुजरात का जो प्रदेश था उसमें नेता थे बाद में गुजरात से जुड़े हुए थे बहुत ही वरिष्ठ नेता थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने दूसरी ओर इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस आर या कांग्रेस रिक्विजिशन कहा गया बाद में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस आई कहा जाने लगा अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वह यह कि कांग्रेस आई जो शब्द है वो 1990 के दशक के आरंभ तक कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसने इसी रूप में इसे मान्यता दी थी लेकिन बाद में नरसिम्हा राव के दौर में ही इसे फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाने लगा और कांग्रेस आई शब्द को हटा दिया गया तो अलग इंदिरा गांधी की कांग्रेस को ही हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में आगे भी वर्णित करेंगे आ, कोई जरूरी नहीं है कि हम बार बार कांग्रेस आई कांग्रेस आई कहें सिर्फ कांग्रेस शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन ऐतिहासिक रूप से हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि जो कांग्रेस आई बनी जिसे 1970 के आरंभिक दौर से कहा जाने लगा वो 1990 के आरंभ तक इसी रूप में जानी जाती रही बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उन्होंने उन्नीस में लोकसभा का चुनाव कार्य कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करवाया और इन चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया पूरे देश में उन्हें व्यापक समर्थन और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और इंदिरा गांधी ने एक तरीके से नेशनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा दिया था जिससे एक मुख्य संदेश यह जाता था कि जो निजी क्षेत्र के खिलाड़ी हैं वो अपनी मनमानी करके मुनाफा नहीं कमा सकते हैं बल्कि सरकार एक ऐसे संस्था के रूप में मौजूद है जो कि गरीबों के हित में निजी क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी की एक अगली कड़ी गरीबी हटाओ के नारों के रूप में सामने आई तो हम यह देख सकते हैं कि समाजवाद या मित्र मिश्रित अर्थव्यवस्था या जन कल्याण ये जो जो तीन आपस में मिले जुले शब्द के रूप में कांग्रेस ने अपनी यात्रा शुरू की आज़ादी के बाद से उसके प्रति एक ज़्यादा रेडिकल रूप में इंदिरा गांधी ने अपना समर्पण दिखाया और निश्चित रूप से आ, उस समय जनसंघ या दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले दलों की स्थिति मजबूत नहीं थी तब भी कांग्रेस बहुत मजबूती से इस बात पर टिकी हुई थी कि उसका समर्पण जो है वो संभाव और सेकुलरिज्म के प्रति है यानी कि वो कहीं से भी बहुमतवादी राजनीति या सिर्फ हिंदुओं की पहचान की राजनीति को बढ़ावा नहीं देने देगी तो इन दो बिंदुओं के साथ इंदिरा गांधी भी आगे बढ़ी और इन चुनावों में यानी कि उन्नीस के चुनावों में इंदिरा गांधी के खिलाफ कांग्रेस ओ भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आदि ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का निर्माण किया था इन चुनावों में इंदिरा गांधी की पार्टी को तीन सीटें मिली, जबकि विपक्षी गठजोड़ को सिर्फ इक्यावन सीटों पर जीत हासिल हुई यद्यप इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला लेकिन यह कांग्रेस के अपने जमीनी संगठन के बजाय एक नेता के करिश्मे का नतीजा था यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हम देख सकते हैं नेहरू के कांग्रेस और इंदिरा गांधी के कांग्रेस के बीच में जहां नेहरू के कांग के दौर में कांग्रेस का जो संगठन था वो काफ़ी सक्रिय बना रहा और उसमें यहाँ तक जागरूकता थी कि साठ के दशक में कामराज योजना के तहत संगठन में और ज़्यादा स्फूर्ति और ज़्यादा ऊर्जा भरने की कोशिश की गई लेकिन इंदिरा गांधी ने जो उन्नीस सौ इकहत्तर का चुनाव लड़ा वो सिर्फ़ अपने व्यक्तित्व के आधार पर लड़ा और वो चुनाव जीती भी लेकिन चुनाव के बाद यह स्थिति ज़्यादा साफ तौर पर सामने आने लगी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व के आसपास सिमटती जा रही है और इसी वर्ष पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ युद्ध में भारत की जीत हुई और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत एक नया देश बांग्लादेश को बनवाने में सफल हुआ तो इससे भी इंदिरा गांधी की छवि काफ़ी मजबूत हुई लेकिन जो एक व्यक्ति के आसपास जो पूरी राजनीति का केंद्रीकरण हुआ उसका नतीजा यह भी निकला कि कांग्रेस के भीतर एक तरह की चापलूसी की संस्कृति का उभार हुआ उससे मजबूती मिली देवकांत बरुआ जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा तो आ, ये जो एक प्रवृत्ति कांग्रेस के भीतर आई थी कि एक नेता को ही सबसे सर्वोच्च माना जाने लगा उसके कारण से भी एक तरह की तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म हुआ भ्रष्टाचार जो अलग अलग स्तरों पर उभर कर सामने आया और बेरोजगारी के कारण जो युवाओं में असंतोष था इन सब ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण से 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी काफ़ी बढ़ गई और उसी समय स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने बिहार और गुजरात में चल रहे छात्र आंदोलनों का नेतृत्व तो संभालते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से इंदिरा गांधी के खिलाफ इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो असंतोष था वह काफ़ी मजबूत काफ़ी संघनित होते गया जिससे घबराकर या जिसे रोकने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे देश में आंतरिक आपात का लागू कर दिया अब यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि आपातकाल के दौरान एक गैर संवैधानिक सत्ता के रूप में संजय गांधी का उभार हुआ उनके पास और कोई आ, पद नहीं था सिवाय इसके कि वो भारत के प्रधानमंत्री के पुत्र थे उनके पास ना तो वो संसद के सदस्य थे और ना ही वो किसी मंत्री पद पर थे लेकिन उन्होंने देश के शासन में काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने नसबंदी झुकियों को हटाने आ, जैसे मनमाने काम किए और आपातकाल के दौरान की स्थिति पर ही आ, एक हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने यह कविता लिखी आ, थी जिसकी कुछ पंक्तियाँ थीं इंदु जी इंदु जी क्या हुआ आपको आ, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को यानी कि आप आ, एक ये पंक्तियाँ ये दिखाती हैं कि किस तरीके से आ, जो नेहरू की विरासत थी जो लोकतंत्र की विरासत थी जिसमें नेहरू ने सिर्फ अपनी पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों को भी सम्मान देकर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया था उसको कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया आ, और कांग्रेस पार्टी के भीतर संजय गांधी के उभार और इंदिरा गांधी के पास पूरे सत्ता के केंद्रीकरण के चलते यह स्थिति आई नसबंदी झुग्गियों को हटाने जैसे मनमाने काम किए गए तो आखिरकार 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल हटाकर नए चुनाव कराने का फ़ैसला किया शायद उनका यह फ़ैसला इस बात से प्रेरित था कि वो चुनाव जीत सकती हैं कई विद्वानों का मानना है कि उन्हें यह एहसास था कि वो चुनाव हार भी सकती हैं लेकिन उनके अंदर यह बात आने लगी थी कि वो किसी भी तरीके से आपातकाल का जो ये बोझ है उससे खुद को मुक्त करना चाहती थी क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा था कि यह निर्णय सही नहीं था लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ कांग्रेस आई में एक विभाजन हुआ और जगजीवन राम जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और उन्नीस के युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री थे उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया 1977 के लोकसभा चुनावों से पहले जयप्रकाश नारायण की पहल पर गैर कांग्रेस गैर वामपंथी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा इन चुनाव में जनता पार्टी को दो सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को सिर्फ एक तिरपन सीटों पर जीत मिली और यह जीत भी दक्षिण भारत के राज्यों में मिली थी और उत्तर भारत में कांग्रेस को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा था इसके बाद जनता पार्टी की आ, सरकार गठित हुई और मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने लेकिन यह सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी उन्नीस में इस सरकार का पतन हो गया और इसके बाद सत्ताईस दिनों के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे लेकिन सदन में किसी को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में उन्नीस में नए लोकसभा के लिए चुनाव हुए इन चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला 1980 में हुए लोकसभा चुनाव के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा की तीन सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता में वापसी की अब यहाँ पर 1977 से 1980 के बीच में जो भी कांग्रेस की स्थिति रही उसमें कोई आमूलचूल बदलाव नहीं आया पूरी राजनीति कांग्रेस की इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व के आसपास सिमटी रही संगठन को मजबूत करने का इस तरीके से प्रयास नहीं हुआ कि स्वायत्त व्यक्तित्व वाले कुछ नेता उभर कर सामने आ जाएं जो भी नेता उभर कर सामने आए वो पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के या संजय गांधी के प्रति समर्पित थे तो ये बदलाव नहीं हुआ लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने आप को एक ऐसी नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो कि देश के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन रही थी जिन्हें की देश में प्रचंड बहुमत से जीती हुई एक सरकार प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही थी और सत्ता के लिए उस पार्टी के लोग यानी कि जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे थे तो ऐसी स्थिति में एक सहानुभूति की भावना भी आम लोगों में इंदिरा गांधी के प्रति बढ़ी विपक्ष ने भी विभाजित होकर चुनाव में हिस्सा लिया जिससे कांग्रेस की जीत हुई हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विचारधारात्मक रूप से जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें आ, जो इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस पार्टी बनी थी उसमें इस समय तो कोई बड़ा अंतर नहीं आया था निश्चित रूप से कांग्रेस अभी भी आ, संभाव और सबको साथ लेकर चलने की नीति पर टिकी हुई थी उसका जो समर्पण था वह जन कल्याण की नीतियों गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों की तरफ था लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बात हुई थी वह यह कि कांग्रेस एक आ, व्यक्ति के आसपास केंद्रित होती गई थी और उसके संगठन में बहुत मजबूती नहीं रह गई थी देश के विभिन्न तबके अब उस तरीके से कांग्रेस को समर्थन नहीं कर रहे थे जैसा कि पहले करते थे और कुछ हद तक उदारीकरण की तरफ भी कांग्रेस ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे लाइसेंस कोटा परमिट राज जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो पूरी एक पहल थी उसे नकारात्मक रूप से लाइसेंस कोटा राज कहा गया क्योंकि यह माना गया कि जो निजी प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा इफिशियंसी से काम कर सकते हैं ज़्यादा कार्यकुशलता दिखा सकते हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है तो ये एक खुलेपन की तरफ 1980 के बाद कांग्रेस ज़्यादा बढ़ी अब आ, आ, और जैसे मैंने आ, आपको बताया कि 1980 के दशक में कांग्रेस एक अलग तरह की चुनौतियों का सामना करने लगी और इन चुनौतियों में कांग्रेस ने यह पाया कि अलग अलग स्तरों पर जो क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं वो उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं और यहीं से फिर कांग्रेस की राजनीति में कुछ विचारधारात्मक विभ्रम भी हम विभ्रम भी हम या भ्रम या से भी हम देख सकते हैं आ, जैसे कि कर्नाटक में उसे हार मिली आंध्र प्रदेश में उसे विधानसभा चुनाव में हार मिली और आ, पंजाब में उभर रही सांप्रदायिक राजनीति ने भी कांग्रेस के भ्रम को दिखाया तो जो कांग्रेस की का नेतृत्व था उसे यह एहसास होने लगा क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे दल उसे गहरी चुनौती प्रदान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से पंजाब की राजनीति को हवा देने का काम भी कांग्रेस ने किया या उस पर उसके नेतृत्व पर ऐसा आरोप लगता रहा है पहले इसने कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों के प्रति नरम रुख अपनाया लेकिन जब मामला ज़्यादा आगे बढ़ गया और सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग होने लगी तो केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने इसका सख्ती से दमन करने की कोशिश की इंदिरा गांधी की स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई की इजाज़त दी जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया इससे आम सिखों की भावनाएं भी काफ़ी आहत हुई इसी कारण अक्टूबर उन्नीस में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनकी ही उनके ही सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी इसके बाद इंदिरा गांधी की बेटी राजीव गांधी कांग्रेस ने कांग्रेस की कमान संभाली और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तो यहाँ भी संजय गांधी की जब मृत्यु हुई 1980 में तो वो एक रास्ता हो सकता था जहाँ पर इंदिरा गांधी स्वाभाविक रूप से कांग्रेस संगठन में इतनी जान फूकती कि नए तरह के नेता उभर कर सामने आते लेकिन उन्होंने उसके बाद अपने बड़े पुत्र राजीव गांधी को राजनीति के लिए तैयार करना शुरू किया और उन्होंने जो एक सर्वधर्म संभाव या एक सेकुलरवाद की जो नीति थी जिसे कि बयालीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने ही संविधान के प्रस्तावना का भाग बनाया था उसे कायम रखने के बजाय एक नरम तरह की हिंदुवादी राजनीति की तरफ भी रुझान इस दौर में देखा जा सकता है तो एक तरफ इंदिरा गांधी ने इस दौर में नरमवादी हिंदुवाद की राजनीति अपनाई और जो एक अल्पसंख्यक तबका था सिखों के रूप में उनके भीतर आ, जो एक खालिस्तान की मांग आई उसका सख्ती से दमन करके आ, अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करने की को कोशिश की जो कि किसी भी तरह की सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करती हैं लेकिन दरअसल इसके मूल में एक तरीके से हिंदुओं को तुष्ट करने की कोशिश भी देखी जा सकती है कम से कम बहुत से विचारक ऐसा मानते हैं दूसरे स्तर पर जैसे मैंने कहा कि एक वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम खुद इंदिरा गांधी ने भी किया लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में राजीव गांधी को सत्ता नहीं सौंपी थी उनकी आकस्मिक हत्या हुई और फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं अब जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो ये एक नए तरह का दौर था और यहाँ हम एक विचारधारात्मक भ्रम की स्थिति कांग्रेस में ज़्यादा देख सकते हैं विचारधारात्मक भ्रम इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने आ, समावेशी राजनीति सभी समूहों सभी धर्मों सभी मतों को एक साथ लेकर चल के देश को बेहतर बनाने की जो उसका जो उसका एक विज़न रहा है उसकी राजनीति की थोड़ी नकारात्मक तरीके से व्याख्या कर दी जिसमें कि गलत बातों के लिए भी अलग अलग समुदायों को तुष्ट करने पर जोर दिया जाने लगा हम उस बिंदु पर थोड़े समय बाद आएंगे मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो लोकसभा चुनाव हुआ कांग्रेस का नेतृत्व राजीव गांधी कर रहे थे सहानुभूति लहर के कारण कांग्रेस को ज़बरदस्त फायदा हुआ और इसे लोकसभा के 506 सीटों के लिए हुए चुनाव में 404 सीटों पर जीत मिली असम और पंजाब के बाद में हुए चुनाव आ, में भी इसे सफलता मिली और इसकी सीटें दस और बढ़ गई लोकसभा में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में कई अच्छे काम किए लेकिन वे सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट और सख्त नीति नहीं अपना सके इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि शाहबानो मामले में कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नया अधिनियम बनाकर बदल दिया अपने इस कदम द्वारा उसने मुस्लिम सांप्रदायिकों को खुश करने की कोशिश की हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो शाहबानो फैसला था जिसमें कि राजीव गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को बदला वो असल में उसमें यह कहा गया था कि जो एक मुस्लिम महिला थी शाहबानो उनके पति ने जब उन्हें तलाक दिया और उसके बाद उन्हें किसी भी तरह का एक मानदेय भत्ता जीविका भत्ता देने से इनकार कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय ने, ने कहा कि यह गलत है और उन्हें यह भत्ता देना होगा जो इसके पीछे रूढ़िवादी मुस्लिम तत्वों की नाराजगी थी वह यह थी कि यह एक तरीके से उनके धार्मिक मामलों में दखल है तो कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी बहुत आधुनिक कानूनों की तरफ रुझान रखता है जो यह चाहता है कि समाज में स्त्रियों के साथ बराबरी का व्यवहार हो उनके पतियों को यह अधिकार ना मिले कि वो जब चाहें उन्हें छोड़ दें और उनके प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी ना रखें वैसा हर व्यक्ति शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करेगा और इससे लोगों ने समर्थन किया भी लेकिन जो रूढ़िवादी मुस्लिम तत्व थे आ, उन्होंने अपने धार्मिक मामलों में दखल के नाम पर आ, प्रदर्शन करना शुरू किया और राजीव गांधी की सरकार ने आ, ऐसे प्रदर्शनों के सामने घुटने टेक दिए और एक ऐसा कानून संसद से पारित करवाया और चूंकि उनके पास काफ़ी बहुमत था तो ऐसा कर भी सकते थे जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया गया लेकिन इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी जो 2000 हज़ार सॉरी उन्नीस के चुनाव में दो सीटों पर सिमट गई थी उसने इस तरह के मुद्दे को लपका और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का दावा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा बाद के वर्षों में बार बार किया गया राजीव गांधी की सरकार ने एक तरफ मुस्लिम रूढ़िवादी तत्वों को संतुष्ट करने की कोशिश की दूसरी ओर हिंदू रूढ़िवादी तत्वों या हिंदुओं को मोटे तौर पर यह दिखाने के लिए कि वो उनकी भावनाओं के, के प्रति भी काफ़ी संवेदनशील हैं उन्होंने उन्नीस में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्या शिलान्यास करवाया अपने इस कदम के द्वारा उन्होंने हिंदुओं को संतुष्ट करने की कोशिश की और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि श्री राम के प्रति जो हिंदुओं की आस्था है उसका सम्मान एक प्रधानमंत्री के रूप में और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वो भी करते हैं अब कांग्रेस सरकार के इन कदमों से को सांप्रदायिक एजेंडे पर चलने वाले दलों ने हाथों हाथ लिया इससे उन्हें मजबूती मिली भाजपा ने 1988 तक देश में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को भारतीय राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बना दिया और बोफोर्स के मुद्दे के कारण कांग्रेस को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा इससे कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी की छवि भी काफ़ी प्र, प्रभावित हुई और यह वह दौर था तो दो स्तरों पर हम कांग्रेस के भ्रम को यहाँ पर देख सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे वो सिर्फ एक तो बड़ा आरोप राजीव गांधी के प्रति लगा के खिलाफ लगा लेकिन अलग अलग, अलग राज्यों में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की जो स्थिति थी वह बिल्कुल साफ छवि की नहीं थी कई राज्यों में बहुत से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार परिवारवाद या फिर अपनी चाटुकार मंडली को रेवड़िया बांटने के लिए प्रसिद्ध थे और इस तरीके के आरोपों का सामना कर रहे थे लेकिन आ, जो आ, अगर हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के रूप में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि राजीव गांधी के दौर में या 1980 के पूरे दौर में कांग्रेस ने एक तरफ एक तरह से जो सेकुलरवाद या सर्वधर्म संभाव की अपनी नीति थी उसको तुष्टिकरण की नीति की तरफ आ, के रूप में प्रस्तुत किया कुछ हद तक तो उसने किया और कुछ हद तक इसे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बनाकर इसके विपक्षी दलों ने इसे दिखाया भी दूसरे स्तर पर कांग्रेस के भीतर एक बेचैनी उभर कर सामने आ रही थी जो देश के आर्थिक नीति निर्माताओं की समझ में भी थी और उन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ावा दिया कि अभी तक जो नेहरूवादी आर्थिक नीति को अपनाया गया है वह बहुत मजबूती से देश के विकास में सहायक होने के बजाय एक बाधा का काम करने लगा है और इसके लिए इसके कारण से नेहरूवादी नीति को एक तरफ रखकर उदारीकरण की नीति की तरफ बढ़ने का दबाव कांग्रेस के ऊपर था राजीव गांधी ने कुछ नीतियों के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने उदारीकरण की नीति को नहीं अपनाया तो आर्थिक मोर्चे पर भी एक तरह की बेचैनी थी और जो सांप्रदायिक राजनीति या सेकुलर राजनीति थी वहाँ भी कांग्रेस एक वैचारिक विभ्रम का शिकार दिख रही थी तो ये सारी जो परिस्थितियाँ थी इसके कारण से उन्नीस में कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और एक गैर कांग्रेसी कांग, सरकार का गठन हुआ उन्नीस सौ इक्यानवे के चुनावों के बाद चुनाव के समय 21 मई को राजीव गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी के समय भी पार्टी का संगठन जो था वो आ, एक नेता के प्रति पूरी तरीके से समर्पित था यानी कि वह राजीव गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्हें जिनके जिन्हें कांग्रेस के अन्य नेताओं का समर्थन प्राप्त था आमतौर पर कांग्रेस में ऐसे बहुत कम नेता थे जिन्होंने अपने स्वायत्त व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश की कांग्रेस के संगठन के भीतर उतनी ज़्यादा गतिशीलता तो बिल्कुल नहीं थी जितनी ज़्यादा गतिशीलता जवाहरलाल नेहरू के समय में थी लेकिन हाँ व्यक्ति के प्रति समर्पण या केंद्रीकरण की भावना इंदिरा गांधी के शासन की तुलना में उस समय कम थी लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में एक ऐसी स्थिति आई जब नेहरू गांधी परिवार से अलग एक व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो प्रधानमंत्री भी बने वो व्यक्ति थे नरसिम्हा राव और जब कांग्रेस को दो सीटों पर जीत मिली थी तो उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में बनाने के बाद एक तरीके से माना गया कि यह एक नेहरू गांधी परिवार के प्रभाव से मुक्त कांग्रेस के बनने की संभावना खोलता है लेकिन निश्चित रूप से राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थी लेकिन नरसिंह राव ने और कांग्रेस के अन्य धड़ों ने हमेशा ही ये कोशिश की कि वे उन्हें एक तरीके से खुश रखें या संतुष्ट रखें या कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उन्हें नाराज़गी हो क्योंकि यह माना जा रहा था और यह मानना काफ़ी सही भी था कि उस समय तक कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी गहरी पकड़ राजीव गांधी के परिवार की थी बहरहाल जो नरसिम्हा राव की सरकार थी उसने जो दो प्रमुख विचारधारात्मक विभ्रम की हम बात कर रहे हैं उसको और ज़्यादा गहराई दी पहली बात तो यह हुई कि उन्होंने उदारीकरण की नीति को अपनाया और उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए उन्होंने नेहरूवादी आर्थिक ढांचे को तिलांजलि दे दी और अब पूरी तरीके से बाजारीकरण निजीकरण की नीति को बढ़ावा दिया जाने लगा और दूसरे स्तर पर जो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक संघर्ष की बात थी उसमें कांग्रेस थोड़ी कमजोर साबित हुई और इसी का नतीजा हुआ कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं किया या कम से कम एक ऐसी छवि बनी कि नरसिम्हा राव की सरकार ने गंभीरता से इसका प्रयास नहीं किया और 6 दिसंबर उन्नीस को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराया गिरा दिया गया इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का आरोप था जो कि कांग्रेस की एक बड़ी समस्या रही है वो काफ़ी मजबूती से उभर कर सामने आई एक और जो बड़ी बात हुई उन्नीस के दशक के आरंभ से और वो लगातार गहराती गई वह यह कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से जो नेहरू के दौर में अन्य पिछड़े तबकों को समा, समाविष्ट कर रही थी वह प्रक्रिया इंदिरा गांधी के शासनकाल में काफ़ी कमजोर हुई लेकिन फिर भी वह प्रक्रिया रही अलग अलग तबके भी कांग्रेस से जुड़े थे मुख्य रूप से तीन तबकों की मैंने बात कही थी कि ब्राह्मण मुस्लिम और दलित को साथ लेकर इंदिरा गांधी ने एक व्यापक आ, सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश की लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य तबके बिल्कुल ही अलग थे लेकिन आ, जो अन्य तबके थे उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में गैर कांग्रेसी दलों के आसपास अपनी गुलबंदी शुरू कर दी जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्नीस में सत्ता परिवर्तन के बाद जब बिहार और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो वहाँ सत्ता का परिवर्तन हुआ और उसके बाद जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई उसके चलते गैर कांग्रेसी दलों के आसपास जो पिछड़ी जातियाँ थीं उनकी गुलबंदी हुई और जनता दल के भीतर लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव जैसे मजबूत नेता उभरकर सामने आए राजीव गांधी के समय तक इस आ, इन आ, राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ही खराब नहीं थी राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी और फिर वो सत्ता से बाहर हुई थी तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी लेकिन नरसिम्हा राव के दौर में इन राज्यों में कांग्रेस के संगठन की स्थिति काफ़ी खराब हुई और उसकी प्रदर्शन में भी लगातार गिरावट होता रहा कई अन्य राज्यों के बारे में भी यह बात कही जा सकती है तो ये जो पूरी स्थिति थी उसके कारण से जब उन्नीस में लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी की हार हुई उसकी सीटें कम हुई वो उसे मात्र 140 सीटों पर जीत मिली इसके बाद वाजपेयी की सरकार बनी जो 13 दिनों तक चली फिर कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकार चली इस बीच नरसिम्हा राव को भ्रष्टाचार के आरोपी के कारण कांग्रेस पद से इस्तीफा देना पड़ा सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने लेकिन कांग्रेस एक तरीके से डामाडोल स्थिति में रही क्योंकि कोई एक ऐसा मजबूत नेता नहीं था जिस जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ सके या उन्हें उत्साहित कर सके तो देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया भाजपा धीरे धीरे मजबूत होती गई उन्नीस के चुनाव के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला लेकिन आ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1999 में फिर चुनाव हुआ क्योंकि ए आई या अन्ना द्रमु के समर्थन वापस लेने के कारण वाजपेयी की सरकार गिर गई और फिर इन चुनावों के समय ही सोनिया गांधी ने चुनाव करने प्रचार करने का फैसला किया हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ कांग्रेस को एक सीटों पर ही जीत मिली लेकिन उसके बाद केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया तो ये एक बार फिर से नेहरू गांधी परिवार में की कांग्रेस में वापसी की तरह था और ये जो बीच के वर्ष रहे हैं उसमें कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ और कांग्रेस के जो नेता थे वो बड़ी मात्रा में कांग्रेस छोड़ने की ओर प्रवृत्त हुए तो इससे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेहरू गांधी परिवार की के महत्व को भी कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने या अन्य टीकाकारों ने स्वीकार किया बहरहाल उन्नीस के चुनाव के बाद वाजपेयी की सरकार बनी 1999 के चुनाव के बाद फिर वाजपेयी की सरकार बनी और मई 1999 में कांग्रेस का एक विभाजन हुआ जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी मुख्य मुद्दा जो था वो यह था कि सोनिया गांधी का विदेशी आ, सोनिया गांधी विदेशी मूल की आ, नेता हैं और उन्हें हम प्रधानमंत्री के रूप में या कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उस तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं फिर 1999 के चुनाव में जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 112 सीटें मिली और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनी अब यहाँ यूपीए के गठबंधन में आने से पहले अगर हम इस पूरे दौर का विश्लेषण करें राजीव गांधी के बाद के दौर का जहाँ पर कांग्रेस पार्टी कि पास ऐसे अध्यक्ष आए जो कि नेहरू गांधी परिवार से नहीं थे तो हम यह कह सकते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिले संगठन के स्तर पर और कांग्रेस ने दो बड़े बदलाव एक तो आर्थिक मोर्चे पर काफी बड़ा बदलाव हुआ जो कि बाद में जाकर सभी दलों के सहमति का आधार भी बना यानी कि अधिकांश दल आर्थिक नीति के मामले पर कांग्रेस की नीति को ही अपनाने लगे बाद के दौर में जैसे कि वाजपेयी सरकार ने बाकायदे एक डिसइनवेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना दी कि हमें निजीकरण को बढ़ावा देना है तो सरकार के पास जो सम्पदायें हैं उन्हें बेचने की ज़रूरत है लेकिन कांग्रेस का संगठन इस दौर में कमज़ोर हुआ निरुवादी नीति को उसने छोड़ा जिसे बाद में एक सकारात्मक कदम भी माना गया देश के विकास के लिए क्योंकि जो वो मॉडल था उससे बहुत कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था और सांप्रदायिकता की के खिलाफ एक दृष्टिकोण में कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमजोर साबित हुई तो जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो उन्होंने कांग्रेस के संगठन को कुछ हद तक संभालने की कोशिश की कांग्रेस के भीतर जो एक भगदड़ मची हुई थी वो रुकी और बाद में 2004 में उन्होंने कई दलों से गठबंधन किया चुनाव पूर्व और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा से बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई हालांकि दोनों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था और एक सीटों पर कांग्रेस की को जीत मिली कांग्रेस so, uh, की जीत के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह uh, इन uh, देश के प्रधानमंत्री बने और एक यूपीए की सरकार गठित हुई जिसमें कि लेफ्ट पार्टीज का भी समर्थन था तो ये जो एक स्थिति थी उसमें ऐसा नहीं था कि सोनिया गांधी uh, के आने से कांग्रेस की जो संगठनात्मक स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत हो चुकी थी आ, लेकिन कांग्रेस कुछ हद तक संभली और इसने समझदारी से बहुत सारे अन्य पार्टियों के साथ गठजोड़ किया गठजोड़ की राजनीति में शुरू में जो कांग्रेस ने झिझक दिखाई थी उससे वो पीछे हटी और उसने अब यह तय किया विशेष रूप से वाजपेयी सरकार के अनुभवों को देखते हुए कि उसे भी गठबंधन की राजनीति को और आगे बढ़ना चाहिए और जो यूपीए की सरकार गठित हुई उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण काम भी किए गए और जैसे मिसाल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जो मनरेगा यानी कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आ, जो है आ, जिसको महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के रूप में जाना जाता है आ, या फिर सूचना के अधिकार कानून को हम कह सकते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को हम देख सकते हैं और ऐसे ही कुछ अन्य कानूनों को तो ऐसे प्रगतिशील कानून काफ़ी पारित हुए आ, सोनिया गांधी आ, के नेतृत्व में एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन हुआ जो कि सरकार को कई मुद्दों पर सुझाव देने का काम करती थी तो इस पूरी परिस्थिति में कांग्रेस के भीतर हम यह देख सकते हैं कि एक तरीके से जो आ, लोक कल्याणकारी राजनीति है उसकी वापसी हुई और आ, ये और ये उदारीकरण की नीतियों के साथ हुई यह वापसी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो पहले का दौर था उसमें उदारीकरण की नीतियों को ही एक समाधान के रूप में देखा गया आ, लेकिन अब यह माना गया कि जो आ, सरकार है उसका एक बड़ा काम जो हादसे के लोग हैं उनको रोज़गार देना है उनको रोज़गार की गारंटी देना है तो सरकार ने इसे एक संसद के अधिनियम के आ, के माध्यम से इसे तय किया आ, हम यह नहीं कह सकते हैं कि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई लेकिन यह बात अवश्य है कि नरसिंह राव के दौर में जो कांग्रेस कमजोर हुई थी वो प्रवृत्ति और ज़्यादा गहरी नहीं हुई कई राज्यों में कांग्रेस ने खुद को संभाला लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूती से स्थापित हो पाई या पश्चिम बंगाल में जहां पर तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई थी वहाँ पर कांग्रेस ने खुद को एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित किया तो कुछ राज्यों में कांग्रेस कमजोर रही लेकिन उसकी कमजोरी और ज़्यादा गहरी नहीं हुई लेकिन संगठन के स्तर पर कोई बहुत आमूलचूल बदलाव आया ऐसा नहीं दिखा इसके बावजूद चूंकि सरकार ने कुछ प्रगतिशील नीतियाँ अपनाई थी कांग्रेस को 2009 के चुनाव में सफलता मिली और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग या यूपीए को चुनाव में 206 सीटों पर सफलता मिली और कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस को 206 सीटों पर सफलता मिली और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को दो सीटों पर जीत मिली अब अगर हम यहाँ पर रुक कर बस दो बिंदुओं में या दो या तीन बिंदुओं में इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो नेहरू के दौर में कांग्रेस थी और जो धीरे धीरे करके सोनिया गांधी के दौर तक पहुंची तो सोनिया गांधी के दौर के कांग्रेस और नेहरू के कांग्रेस के दौर में क्या अंतर था तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा अंतर था वो यही था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो संगठन के रूप में अब काफ़ी मजबूत नहीं रह गई थी और मुख्य रूप से यह इंदिरा गांधी के कमजोर होते मॉडल वाली कांग्रेस बची थी जिसके भीतर विचारधारात्मक वाद विवाद की गुंजाइश तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम हो गई जिसका प्रसार देश के अन्य भागों तक नहीं रहा जिसका संगठन काफ़ी कमजोर रहा और जो संगठन बचा भी वह मुख्य रूप से नेता के प्रति समर्पण और उसके बाद विचारों के प्रति समर्पण वाला संगठन रहा तो इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेहरू कालीन कांग्रेस के एक आ, बहुत ही संकुचित स्वरूप में बची हालांकि सत्ता में इसने अपना दबदबा कायम किया दस वर्षों तक यह सत्ता में रही लेकिन कांग्रेस संगठन अपने आप को बहुत मजबूती से उभार कर सामने नहीं ला पाया तो इसी का नतीजा ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने अपने आप को धीरे धीरे मजबूत किया कांग्रेस के ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे कांग्रेस ने बहुत मजबूती से अपने नेताओं की कई बुरी प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश नहीं की जिसमें भ्रष्टाचार तो एक पहलू है अपने परिवार को बढ़ावा देना संगठन में आम कार्यकर्ताओं को ज़्यादा महत्व ना देना इस तरह के कई अन्य पहलू भी इसमें शामिल हैं तो इन सबका नतीजा यह निकला कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को आ, करारी हार का सामना करना पड़ा और यह प्रवृत्ति जो हार के का जो एक पूरा सिलसिला था वह आगे भी जारी रहा क्योंकि कांग्रेस खुद अपने संगठन को जीवंत नहीं कर पाई और वो उसके भीतर एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आ पाया जो कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को गहराई से चुनौती दे सके तो इसका नतीजा यह निकला कि बीच में 2018 में इसे कुछ राज्यों में अच्छी सफलता मिली लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा जहां 2014 के चुनाव में उसे 44 सीटों पर जीत मिली थी वहीं 2019 के चुनाव में इसे बावन सीटों पर जीत मिली तो तकरीबन एक जैसा प्रदर्शन रहा इसके लिए बहुत सारे अन्य तात्कालिक कारणों और दूसरे तरह के कारणों पर भी हम जा सकते हैं मिसाल के तौर पर आरएसएस के संगठन की मजबूती मिसाल के तौर पर तात्कालिक रूप से कई संवेदनशील मुद्दों का चुनाव में हावी हो जाना लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से यह जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने आप को उन्नीस के दशक के आरंभ की स्थिति में भी ले जाने में सफल नहीं हो पाई तो आ, हम बिल्कुल ही ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत हो जाए लेकिन अगर कांग्रेस का संगठन 1990 के शुरुआत के दशक जैसा भी हो पाता तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती लेकिन इसका आधार धीरे धीरे और सिकुड़ता ही रहा आ, और इस संदर्भ में हमें कांग्रेस पार्टी की जो कई कमियाँ हैं उसकी जो दुर्बलताएँ हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कांग्रेस की दुर्बलताओं की अगर हम बात करेंगे तो आ, ऐसा उसके बारे में बहुत लंबी सूची बनाई जा सकती है लेकिन मैं कुछ बिंदुओं के तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। निश्चित रूप से कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है लेकिन आ, पार्टी अपनी नीतियों कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा एक ने, ने, नेहरू गांधी परिवार पर निर्भर रही है आ, इसका अर्थ यह है कि आ, अगर आम कांग्रेस कार्यकर्ता जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है आप उनसे बात करें तो वो अपनी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जितने जागरूक नहीं होते हैं उससे ज़्यादा उनके भीतर की यह भावना उभर कर सामने आती है कि आ, किस तरीके से नेहरू गांधी परिवार की भूमिका को और बढ़ाएं जिससे उन्हें चुनाव में जीत मिल सके यह किसी भी बड़ी पार्टी के लिए एक निराशाजनक स्थिति हो सकती है क्योंकि राजनीति और अगर एक पार्टी को दीर्घकालिक रूप से राजनीति में टिके रहना है तो उसे अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और उसी यह कोशिश करनी चाहिए कि जो आम स्तर के कार्यकर्ता हैं उनका राजनीतिक प्रशिक्षण हो और वो अपनी मेहनत के बल पर पार्टी की सीढ़ियों को चढ़ें और अगर मुमकिन हो तो वो कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पद तक जाएं तो यह जो एक मॉडल एक राजनीतिक पार्टी का हो सकता है उस मॉडल को कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के दौर से ही खो दिया और उसके बजाय पूरी तरीके से एक नेता और एक पार्टी के प्रति समर्पण उस पर निर्भरता पर जोर दिया जाने लगा और इसका नतीजा यह निकला कि पार्टी के भीतर जो नेता हैं वो कई बार ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करने की बजाय एक नेता के करिश्मे पर भरोसा करने लगे और जब उस नेता के करिश्मे या उसकी बहुत सारी मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिली तो सारा ठीकरा उस नेता पर फोड़ने लगे तो यह जो एक प्रवृत्ति है वह कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी दुर्बलता है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ऐसे नेता इस बीच में उभर कर सामने नहीं आए जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर मेहनत करके अपने लिए एक आधार तैयार नहीं किया लेकिन ऐसे नेताओं की संख्या कम है और ऐसे नेताओं की संख्या ज़्यादा है जो किसी भी तरीके से सत्ता को पाने और उसके माध्यम से फिर अपने समृद्धि पर ध्यान देने पर जोर देते हैं और इसके लिए उन्हें सबसे अच्छा सहारा लगता है एक व्यक्ति या एक परिवार पर भरोसा करना दूसरे स्तर पर कांग्रेस की एक बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर आ, कई नेता जो हैं वो अपने आ, परिवारों की विरासत को संभाल रहे हैं और वो कांग्रेस के युवा नेता कहे जाते हैं कांग्रेस में ऐसे युवा नेताओं को ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा जिनके पिता राजनीति में नहीं थे जिनकी माता राजनीति में नहीं थी हर युवा नेता अगर आप देखेंगे तो वो किसी राजनीतिक परिवार से ही जुड़ा हुआ है अगर मैं हर ना भी कहूँ तो अधिकांश 60% परसेंट तक ये संख्या जा सकती है कि ऐसे नेता हैं तो यह किसी भी पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है निश्चित रूप से अगर किसी की माता या किसी के पिता राजनीति में हैं या किसी के परिवार का कोई सदस्य राजनीति में रहा है तो उसके राजनीति में आने पर रोक नहीं है या उसके किसी पद संभालने पर रोक नहीं लगनी चाहिए लेकिन अगर यह तादाद बड़ी संख्या में आ, हमारे सामने आएगी तो इसका नतीजा यही होगा कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपनी युवावस्था में कांग्रेस पार्टी से जुड़कर या किसी पार्टी से जुड़कर काम करना चाहता है और वो धीरे 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 पद पर जाते हुए सर्वोच्च पद पर पहुंचने की चाह रखता है तो उसकी महत्वाकांक्षा या उसकी काम करने की प्रवृत्ति को गहरा चोट लगेगा क्योंकि ना तो उसके पास परिवार वाले नेताओं के समान राजनीतिक पूंजी होगी ना आर्थिक पूंजी होगी ना सामाजिक पूंजी होगी तो जब तक से एक पार्टी का संगठन इतना वाइब्रेंट इतना गतिशील ना हो कि वो मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दे तब तक पार्टी की स्थिति कमजोर ही बनी रहेगी हम सचिन पायलट जतिन प्रसाद और बहुत कई सारे नेताओं का नाम देखें तो कई बार आपको और आप गूगल करें कि क्या इन नेता के परिवार की व्यक्ति भी कभी राजनीति में थे तो अधिकांश मामलों में कांग्रेस के युवा नेताओं के संदर्भ में यही नतीजा निकलता है हालांकि इसके बहुत सारे अपवाद भी हैं और बहुत से ऐसे नेता भी कांग्रेस में आए हैं लेकिन ये एक ऐसी दुर्बलता है जिससे कांग्रेस पार्टी को खुद को मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए यानी कि परिवारवाद सिर्फ आ, आ, सोनिया गांधी के परिवार की ही बात नहीं है बल्कि उसका विस्तार अन्य अलग अलग नेताओं के परिवारों तक होना कांग्रेस के संगठन के लिए काफ़ी खतरनाक है कई बार हम यह भी सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका में जैसे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उसके भीतर कोई बराक ओबामा अपनी राजनीति करते हुए आ, पचास वर्ष से पहले आ, एक सर्वोच्च पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं लेकिन क्या ये भारतीय राजनीति में और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी में संभव है तो इसका जवाब ना के रूप में ही सामने आएगा तो ये एक ऐसी दुर्बलता है जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए अगर उसे अपनी जमीन बनानी है तो तीसरे स्तर पर देश के कुछ भागों में पार्टी का आधार सिकुड़ा है और पार्टी अपना यह आधार फिर से हासिल करने में नाकाम रही है आ, मैंने पीछे की चर्चा में भी बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया पश्चिम बंगाल को इस श्रेणी में शामिल कर सकते हैं और अगर आप कांग्रेस की राजनीति को अन्य स्रोतों से देखें तो आप यह पाएंगे कि आम तौर पर कई राज्यों में कांग्रेस ने अपनी उस स्थिति से एक तरह से संतोष कर लिया है मिसाल के तौर पर आ, आ, अगर हम तमिलनाडु की या बिहार की बात करें उत्तर प्रदेश में शायद पार्टी आज के दौर में थोड़ी कोशिश कर रही है पर बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में या पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने संगठन को फिर से आ, बहुत बुनियादी रूप से पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं की है और एक बार जहाँ यह सत्ता से बाहर होती है वहाँ का पार्टी संगठन धीरे 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 कमजोर होता जाता है तो ये एक ऐसी कमी है जिसको दूर करने की तरफ कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक प्रमुख दुर्बलता के रूप में है चौथे स्तर पर नीतिगत स्तर पर 1990 के बाद कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमजोर हुई है नेहरूवादी समाजवाद की बजाय आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने के कारण कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट आर्थिक विजन नहीं बचा है यदि संपर्क एक यानी कि यूपीए एक के दौरान इसने रोजगार गारंटी जैसे कानूनों को आगे बढ़ाया आ, लेकिन आ, इसकी आर्थिक नीतियाँ राज्य की भूमिका में कटौती की ही वकालत करती हैं यहाँ मैं मेरा मुख्य बिंदु यह है कि कांग्रेस साफ तौर पर अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को तय करने में समर्थ नहीं हो पाई है और जो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर उसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने आर्थिक उदारीकरण के नीति के माध्यम से जो निजी खिलाड़ियों की भूमिका बढ़ रही थी उसमें अपने लिए लाभ कमाने की कोशिश की सभी मामलों में नहीं और बहुत सारे मामलों में जांच और न्यायिक निर्णय की आवश्यकता होती है इस तरह का दावा करने के लिए लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो आर्थिक नीति है एक तो उसमें अस्पष्टता रही है कुछ हद तक राज्य ने लोक कल्याणकारी नीतियों को अपनाया खासतौर तो पर यूपीए वन के समय लेकिन इसके साथ ही जो एक दबाव बना रहा प्राइवेटाइजेशन का और कांग्रेस के भीतर इसका समर्थन भी रहा तो उसके कारण से एक तो लोक कल्याण की नीतियों को में कटौती करनी पड़ी बहुत सारे और या अंतर्विरोध उत्पन्न हुए जैसे कि आप एक तरफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे कानून पारित करते हैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की पहल पर और दूसरी तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग को भी बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके कारण से एक कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया और इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन में जो निजी खिलाड़ी हैं निजी उद्यमी हैं कॉरपोरेट घराने हैं उनकी भूमिकाएँ बढ़ीं और उन्होंने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए कई बार भ्रष्ट साधनों का भी आ, इस्तेमाल किया और बहुत सारे नेता जो चुनावी में पैसे की भूमिका को देखते हुए या अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए इस तरह के भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार थे उन्हें आ, उन्होंने इस तरह के भ्रष्ट कदमों को स्वीकार भी किया और जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी की छवि को भी काफ़ी धक्का पहुंचा पाँचवें स्तर पर धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर भी पार्टी की साख को जबरदस्त चोट पहुंची है खासतौर तो पर उन्नीस में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पार्टी पर अल्पसंख्यकों और मुख्य रूप से मुस्लिमों का भरोसा कम हुआ है इसके अलावा पार्टी अपने लिए यह रास्ता भी तय नहीं कर पाई है कि कैसे वह यह साबित करे कि वह हिंदू भावनाओं का भी ख्याल रखती है और मुस्लिमों की भावनाओं के प्रति भी उसका समर्पण है कई बार पार्टी इतनी कमजोर स्थिति में दिखती है कि वह मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा का बहुत मजबूती से जवाब नहीं दे पाती है और कई अन्य मामलों में जो पार्टी के नेता हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाने पर जोर देते हैं अब यह पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वह खुद को इस बात को स्पष्ट करे कि वह सर्वधर्म संभाव में और हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने में भरोसा रखती है तो ये एक ऐसी चुनौती है जब तक कांग्रेस अपने आप को इस विचारधारात्मक चुनौती से मुक्त नहीं करती है तब तक उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके विरोधी दल बहुत आसानी से इसे मुस्लिमों का तुष्टिकरण करने वाला या हिंदुओं के का अपमान करने वाले दल के रूप में भी प्रस्तुत करते रहेंगे जो कोशिश हम आमतौर पर मीडिया और कई अन्य साधनों से देख सकते हैं भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया और इसका एक बड़ा कारण यह भी होता है कि जो नेता हैं वो विचारधारा के प्रति ज़्यादा समर्पित नहीं हैं बल्कि वे अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए चाहे वो पद हो चाहे वो रुपए पैसे का मामला हो जहाँ भी उन्हें फ़ायदा मिलता है चूंकि उनकी विचारधारात्मक स्थिति कमज़ोर होती है विचारधारा की जमीन पर वो मजबूती से नहीं डटे होते हैं तो वो आसानी से इसके शिकार हो जाते हैं कांग्रेस में छोटे से लेकर बड़े स्तर पर ऐसे कई नेता देखे जा सकते हैं यह कहा जा सकता है कि शायद कांग्रेस सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रही है इसलिए उसके भी तरह कमियां दिखती हैं या यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति के अन्य दल और अन्य कार्यकर्ता भी इसी तरह की कमजोरी से पीड़ित हैं और ये दोनों ही बातों में काफी हद तक सच्चाई है लेकिन इससे यह बात या यह तर्क कमजोर नहीं होता है कि यह कांग्रेस की एक दुर्बलता रही है और कांग्रेस अगर अपने आप को फिर से पुनर्जीवित करना चाहती है या राजनीति में अपने आप को मजबूती से लाना चाहती है तो उसे ऐसे उपाय ढूंढने पड़ेंगे जिससे वह इस भ्रष्टाचार की या भ्रष्ट आचरण के समस्या को रोक पाए नियंत्रित कर पाए कुल मिलाकर मेरी कोशिश इस पूरे व्याख्यान में यह रही है कि मैं कांग्रेस के इतिहास जो आज़ादी के बाद का इतिहास है उसकी आपको जानकारी दूं और हर दशक में जिस तरीके के विचारधारात्मक परिवर्तन संगठन की कमजोरी की बात या संगठन की मजबूती की बात जो भी रही है वो आपके सामने रख पाऊँ और मैंने मौजूदा समय में कांग्रेस के कुछ दुर्बलताओं का भी उल्लेख किया है मुझे यह उम्मीद है कि इस पूरे व्याख्यान के बाद आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज़ादी के बाद के दौर के इतिहास की एक समझ बना पाए होंगे और आपके अंदर इस बात की एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि आप कांग्रेस की राजनीति से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं की समझ विकसित करें और मुझे यह उम्मीद है कि इस संदर्भ में आप कुछ अन्य पुस्तकों और लेखों को पढ़ेंगे तो आज की इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ और अगले अंक में हम मिलेंगे और भारतीय राज शासन एवं राजनीति के एक अन्य पहलू पर चर्चा करेंगे नमस्कार